अस्सलाम वालेकुम, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये तमाम मालूमात इंटरनेट और मेरी जाती तहकीक और मुताले पर मबनी है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपको मशवरा है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से पहले अपने तौर पर रिसर्च और मालूमात इकट्ठी कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपकी की गई किसी भी इन्वेस्टमेंट के नफा नुकसान चोरी वगैरह के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी फिर आपका वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल बेस्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम मनीरो वॉलेट से रिलेटेड ट्यूटोरियल बना रहे हैं और ये आज की वीडियो जो है वो सेकेंड लास्ट वीडियो है। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो है अपने मनीरो वॉलेट में एड्रेस बुक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब एड्रेस बुक को क्रिएट करने का फायदा क्या, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बार बार अपने जो एड्रेस है वो लेने नहीं पड़ते। लेट्स सपोज मैंने एक सपोज काशिफ नाम का जो है बंदा, उससे मैंने उसके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करनी है, तो मैं बार बार उसे एड्रेस नहीं लूंगा। एक बार एड्रेस ले लूंगा, उससे कंफर्मेशन कर लूंगा, यार ये तुम्हारा पक्का एड्रेस है, वो कहे जी हाँ मेरे वॉलेट का एड्रेस है, उसको मैं ऐड बुक में जाके ऐड कर लूंगा। और मैंने जब भी ट्रांजेक्शन करनी होगी, जस्ट उसका नाम सेलेक्ट करूंगा तो उसका एड्रेस ऑटोमेटिक मेरे उस वॉलेट में आ जाएगा। एक तो चीज़ ये हो जाएगी, दूसरा के गलती होने का जो है वो चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि समटाइम हम जो है वॉलेट एड्रेस को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, उसमें गलती हो जाए तो हमारा फंड लॉस हो सकता है। तो एड्रेस बुक बनाने का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपके सारे एड्रेसेस सेफ होते हैं आपकी बुक के अंदर, और आपने जब भी कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है जस्ट नाम सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास उसका एड्रेस आ जाता है। आज तो हम इस वीडियो में ये बता रहे हैं, लेकिन लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जो है अपने वॉलेट को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं बैकअप वॉलेट फाइल के साथ। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और इस वीडियो को देखें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाना और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना है, ताकि बेल आइकन बताने से ये होगा कि आपको जल्द से जल्द वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो चलते हैं अपने मनीरो वॉलेट की तरफ और आज हम क्रिएट करते हैं अपनी एड्रेस बुक। और फ़ायदा मैंने आपको बता दिया सारा, एड्रेस बुक का फ़ायदा क्या है। लेट्स सपोज ये देखिए आपका मनीरो वॉलेट ओपन होगा, यहाँ पे आपका ब्लॉकचेन का डाटा पूरा डाउनलोड होगा और अभी आपके वॉलेट में देखिए मेरे वॉलेट में कोई भी अमाउंट नहीं है। अब मैंने अगर एड्रेस बुक क्रिएट करनी है तो वो कैसे करूँगा, यहाँ पर देखिए आपके पास अकाउंट आ रहा है, अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आगे सेंड आ रहा है, सेंड पर जाएंगे तो ये एड्रेस बुक है, रिसीव आ रहा है तो ये आपका रिसीविंग एड्रेस है। तो हमने एड्रेस बुक क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, सेंड पे जाएंगे, क्योंकि हमेशा एड्रेस बुक सेंड पे क्रिएट होती है। फ़ायदा ये होता है कि आपने जो एड्रेस बुक क्रिएट की होती है उसी में से आप वॉलेट को सिलेक्ट करते हैं और अमाउंट सेंड कर लेते हैं। ये एड्रेस बुक पे हमने क्लिक कर देना है, यहाँ पे देखें दिस मेड टेक ईजर टू सेंड रिसीव मनीरो एंड रिड्यूस एरर व्हेन ट्राइंग टू एड्रेस मैनुअली। जब आप मैनुअली एंटर करते हैं तो आपका जो है एरर वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है जो है आपका एड्रेस टाइप करने में। तो अब हम जाएंगे ऐड एड्रेस बुक, यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है कि एड्रेस कौन सा एड्रेस, सपोज मैंने एक कॉपी किया इसी वॉलेट का, इसमें भी ऐड हो जाए इसके अंदर, ठीक है। नाम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज नाम लिखता हूँ यहाँ पे काशिफ, ठीक है काशिफ वॉलेट। करने के बाद आपने इसको यहाँ पे जाके ऐड कर देना है, ठीक है ये ऐड हो गया आपके पास। अब एक और मैं वॉलेट जो है ऐड कर लेता हूँ, मेरे पास अवेलेबल होगा, मैंने वैसे दो टाइप किए हुए थे अपने पास, ये आपने यहाँ से जाके उसको कंट्रोल सी करना अपने एड्रेस को, जो भी एड्रेस उसका होगा मैं उसको यहाँ पे जाके एड्रेस पे करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ रोफ। अब ये देखें मेरे पास दो एड्रेस ऐड हो गए, ये एड्रेस बुक बन गया मेरी। जितने भी एड्रेस होंगे, जितने लोग होंगे उनके साथ साथ ये एड्रेस की बुक यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं नाम, अगर आपसे गलती से होगा ये इस जगह क्लिक करेंगे तो एड्रेस एडिट की भी ऑप्शन आ जाएगी। और आपने अगर इसको कॉपी करना हो तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि जब भी आपने ट्रांजेक्शन करनी है तो जब आप सेंड में जाएंगे तो ये एड्रेस बुक अवेलेबल होगी। आप सेंड पे जाते हैं, ठीक है यहाँ पे अभी सिंक्रोनाइजिंग खत्म नहीं हुई तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं एड्रेस बुक के ऊपर, ये तो देखें ये दोनों एड्रेस हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे इस जगह पे। दोबारा मैं सेंड पे जाता हूँ और यहाँ पे आपने जो क्लिक करेंगे तो एड्रेस बुक आपके सामने शो हो जाएगी सारी की सारी। अभी फ़िलहाल जो है हमारा जो मनीरो वॉलेट अब रीस्टार्ट हो रहा है, तो समटाइम ऐसा होता है कि नेट का इशू आता है जिसकी वजह से ना ये डिस्कनेक्ट हो जाता है।
खैर लेकिन आपको समझ आ गई है कि आपने अपनी एड्रेस बुक को कैसे क्रिएट करना है। एड्रेस बुक को क्रिएट करना बहुत ईजी है, ज़रूर करें ताकि आपको प्रॉपरली जो है ट्रांजेक्शन करना आए। अगर आपके पास मैनुअल आप इंटर करते हैं तो वो गलती आ सकती है। तो अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं अपने कल की एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।